लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को अधिक ताकत देने वाला संशोधन बिल पेश हुआ और इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जब सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यपाल सिंह बोल रहे थे, तभी बवाल हो गया। उनके भाषण के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीच में खड़े हुए और विरोध किया, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। शाह ने इस दौरान ओवैसी से कहा कि आपको सुनना ही पड़ेगा। मुंबई के एक शानदार होटल में ठहरे कर्नाटक के 15 बागी विधायकों ने सोमवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से धमकी की दोबारा शिकायत की है। बीते 5 दिनों में उनकी ओर से ऐसी शिकायत दूसरी बार आई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प भी हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा की सुरक्षा मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों की सुरक्षा को लेकर आदेश दिया। मोदी सरकार में मंत्री रहे कलराज मिश्र को राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत का स्थानांतरण कर गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपना काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। सिंह ने कहा कि सिद्धू को अपने नए पोर्टफोलियो को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में एक अनुशासन होता है, यह इसे प्रभावी ढंग से काम करना है। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों की बहादुरी के चलते एक किशोरी की जान बचा ली गई। मामला बारामूला जिले के कानपुरा कुंजवेर का है। दरअसल 14 वर्षीय नगीना नामक की युवती ने नदी में कपड़े धोने गई थी। इसी दौरान नगीना का दुपट्टा नदी में गिर गया और दुपट्टा बचाने के लिए वो नदी में कूद गई थी। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बल्क में एक धमाका हुआ है। चाहार भोलक जिले में हुए इस धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। 201 शाहीन कॉर्प्स के प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ रेजी ने कहा है कि आतंकियों ने सड़क के किनारे बम लगाया था जो फट गया। वर्ल्ड नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रविवार को सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को मात दे विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर नजर आया। सेंसेक्स दिन के अंत में 160 अंकों की तेजी के साथ 39,813 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंकों की कमजोरी के साथ 11,578 के स्तर पर बंद हुआ।